नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट के नए पाठ्यक्रम अनुसार हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा में आज हम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना, जी हाँ, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी का अध्ययन करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पर ही चलते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना? अरे, कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, वो ऐसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं, प्राकृतिक के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं, यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी? कौन जाने, अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्यों या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर के तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर थाह ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल निस्नग्ध भंगी भंगिमा
एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी, कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनौली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम देख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। दो टके के कंगने में इतनी शक्ति है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलकता था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी, मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहां मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही। मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनों पवन का शानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छहियां कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंद्रोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भाव सागर की लहर तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती।
वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के फूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निबिड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ती है। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत समुद्र या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक माया बद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिवान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्तराज में खींच लाता था। कुछ साल में मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदे निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल दिए। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक लाज में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी बीवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भरे ही उथल पुथल हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से
देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। दो दिन में राम हाय जानकी, हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। दो क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई, कहां प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहां जगत का जटिल बंधन पास, कहां से कहां आग पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वाऊ से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए साचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस अलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यो ही साल दो साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसती रहीं। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी
पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकीकरण फूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग उस मायाकारी के अलक्त अलक्तक रंजित चरणों पर रखे। किरण मेहंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं, घर की वधू क्या करती। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराए के हाथ बिक गया। फिर ये तो दो दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूथ गूथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नचाने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं, किरण पाछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आँखों में आंसू ना थे, मेरी आँखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आँख मुदव्वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर ना चांदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टक कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटाया। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कलांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया, मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया, वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी, कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छेड़ कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो, उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कगना सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिम गई। वह जीवांत रेखा कहाँ चली गई, क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली
शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता परलोक से ढूंढ निकालू। ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। दोस्तों, इसी के साथ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना का समापन हुआ, पूर्ण हो चुकी है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा में ही अगली कहानी को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।